नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हरिद्वार में देव संस्कृत विश्वविद्यालय में ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कार्यक्रम में शिरकत। 20 राज्यों के 507 नव प्रवेशी विद्यार्थी होंगे दीक्षित। कोटद्वार में अवैध खनन के कारण धसे सुखरी पुल का मामला गरमाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। धामी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। चमोली में वेतन नहीं मिलने से अतिथि शिक्षकों में आक्रोश। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय गोपेश्वर में अनिश्चितकालीन धरना। एक ही जिले में अलग अलग कानून से परेशान। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग। उधम सिंह नगर के सितारगंज में रफ्तार का कहर। युवकों को निजी बस ने चपेट में लिया। हादसे में युवक की मौत। परिजनों ने बस चालक पर लगाया लापरवाही का आरोप। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में संसाधनों का अभाव। मान्यता मिलने के एक साल बाद भी ओटी आईसीयू नहीं। गंभीर रोगियों को किया जा रहा हायर सेंटर रेफर। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं खबरों पर विस्तार से। हरिद्वार स्थित देव सांस्कृतिक विश्वविद्यालय शांति कुंज के नए सत्र 2022-23 के नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का ज्ञान दीक्षा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, गुजरात सहित 20 राज्यों के 507 नव प्रवेशी विद्यार्थी दीक्षित होंगे। तो वहीं ज्ञापन साउथ कोरिया, बेल्जियम के युवाओं ने भी अपना करियर संवारने के लिए एडमिशन लिया है। ज्ञान दीक्षा समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। कार्यक्रम में अध्यक्ष देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांड्या है। आपको प्रामाणिक रहना, यू हैव टू बी वेरी सिंसियर इन योर अटेम्प्ट्स। तीसरा है आपको ग्रहणशील रहना। जो भी अच्छी चीज है उसको ग्रहण करते जाइए, ग्रहणशील बनिए। लाइफ मैनेजमेंट, जीवन प्रबंधन, गीता और ध्यान। छात्र एवं छात्राएं, जिनको जैसा अभी कुलाधिपति जी कह रहे थे कि जिनको 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल और कई सालों सालों तक निरंतरता से यहाँ पर इस ज्ञान की गंगोत्री से ज्ञान को लेकर अपने जीवन को सफल एवं साकार करना है, आप सभी को मैं आज के इस अवसर पर बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। सर्वप्रथम मैं वेद माता गायत्री के चरणों में सीध झुकाकर उनको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे उनकी इस पावन धरा और परम वैभवशाली मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सायती माता गायत्री के सिद्धधारक विचार क्रांति अभियान के सूत्रधार वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को भी नमन करता हूँ, जिनके द्वारा रोपित बीज आज वट वृक्ष का आकार ले चुका है और विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार और प्रकाश दे रहा है लगातार। जैसा कि अभी चिन्मया जी ने यहाँ पर बताया कि दुनिया के अनेकों अनेक देशों में आज इस जो वृक्ष पंडित श्री राम शर्मा जी ने लगाया था वो सभी को प्रकाश देने का और ज्ञान देने का काम कर रहा है। मैं आज निश्चित रूप से ये पहले इस प्रकार के समारोह में आके, जिसमें हम आगे चलकर वेदों का भी अध्ययन करेंगे, धर्म का भी अध्ययन करेंगे, सांसारिक, भौतिक और तमाम प्रकार से आध्यात्मिक, सभी आने वाले जितने भी हमारे पाठ्यक्रम होंगे उन सभी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करेंगे। और इतिहास में ऐसे बिरले ही लोग हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों से करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। और परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा जी ने, वो एक ऐसी विभूति थे जिनका संपूर्ण जीवन
भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के समर्पित रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से विधानसभा भर्ती मामले पर दिए बयान ने सबको चौंका दिया। हरीश रावत ने विधानसभा में परिवार और भाई भतीजावाद के आधार पर हुई भर्ती को लेकर कहा कि अपने लोगों की भर्ती करने में किसी ने कोई अपराध नहीं किया है। उनके परिवार के लोग भी बेरोजगार थे और फिर एक बार भर्ती घोटाले को लेकर विधानसभा के बाहर हुए प्रदर्शन में हरीश रावत ने कहा कि नियुक्तियां नैतिक आधार नहीं लगाती है। उन नियुक्तियों को और नियुक्तिकर्ताओं के विषय में स्पीकर और मुख्यमंत्री को यदि उचित समझे तो नेता प्रतिपक्ष को बैठकर रास्ता निकालना चाहिए। वहीं हरीश रावत की इस प्रतिक्रिया पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि हरीश रावत के चरित्र को लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब वे मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त खुलकर लेन देन हुआ था। हरीश रावत जी के चरित्र को लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने बताया ना कि टीवी चैनलों पर उन्हें लोगों ने कहते हुए सुना था कि तुम 30 करोड़ कमा लो, 40 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। क्या आंखें बंद करने के लिए कोई मुख्यमंत्री चुनती है क्या प्रदेश की जनता? आंख कान खोलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई उन्हें करने की हिम्मत होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जितना बड़ा भ्रष्टाचारी था उसको उतने नजदीक अपने बिठाया। चतुर्थ तल पे जहां मुख्यमंत्री कार्यालय होता है वहां पर लेन देन हुआ, चतुर्थ तल पर लेन देन हुआ उनके कार्यालय, उनके कार्यकाल में, और लोगों को भर्ती किया गया, सब लोग जानते हैं, सारी बातें खुल के सामने आ रही हैं, आएंगी सामने। उत्तराखंड के चमोली में वेतन न मिलने से परेशान अतिथि शिक्षकों को अनिश्चितकालीन धरना मुख्य शिक्षक अधिकारी कार्यालय गोपेश्वर में जारी है। आपको बता दें कि देवाल थराली नारायण बाड़ जोशीमठ के अतिथि शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश का वेतन अभी तक नहीं मिला, जबकि दशोली करणप्रयाग ब्लॉकों में वेतन अतिथि शिक्षकों को मिल चुका है। एक ही जिले में अलग अलग कानूनों को लेकर अतिथि शिक्षकों में खासा आक्रोश है। मैंने कहा सर यहाँ तो 12 लोगों ने फोन कर दिया ग्रीष्मकालीन अवकाश गेस्ट टीचर्स को का यहाँ पर उनको कुछ वेतन की परेशानी के लिए विसंगति को लेकर उनकी मांग है और जिस पर विचार चल रहा है, और मैंने उन्हें कहा है कि मुझे कुछ समय इसका पूरा अध्ययन करने देखना चाहिए कि शासनादेशों के आलोक में क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो मैंने उन्हें कहा, उन्हें ये कहा है कि आप कुछ समय रुकिए, मैं इस पर विचार करके निर्णय दूंगा। हमारी कोई ऐसी नई मांग नहीं है, हमारा तो सैलरी को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन है, उसको लेकर हमारा मुद्दा है कि हमारे स्टेट में 13 डिस्ट्रिक्ट में से आपने 11 डिस्ट्रिक्ट में पूरा सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करा है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में से चमोली में, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो चमोली है, यहाँ पर भी आपने 2 ब्लॉक्स में आपने सैलरी दे दी है और हमारी सैलरी रुकी हुई है। हमें विंटर वेकेशन और समर वेकेशन का सैलरी नहीं दे रहे हैं। अगर हमारा सैलरी रोक रहे हैं तो आप ऐसा कर दीजिए कि जिस दिन विंटर वेकेशन हो रहा है उस दिन हमें पहले ऑर्डर दे दीजिए कि अतिथि शिक्षकों को रिलीव किया जाता है और जितने स्कूल खुलेगा उस दिन हम आपको दोबारा लगा देंगे, और समर में भी ऐसा ही कर दीजिए तो हम उससे तो हमारा ठीक है। अनिश्चितकालीन धरना को करते हैं। इससे पूर्व भी हम 24 तारीख को और 25 को हम मुख्य शिक्षक के वर्ग में मिले थे, उनसे हमें आश्वासन मिला था कि हम इतने तारीख अब वो हमारा काम नहीं हुआ तो हम निरंतर कम से 1 तारीख से बैठे हुए और जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। कोटद्वार में अवैध खनन के कारण धसे सुखरे पुल के मामले को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बताया महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष गीता नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान गीता नेगी ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में सुखरो नदी के पुल के पिल्डों की बड़ी बड़ी मशीनें खोदी गई, जिसके कारण उधर दूसरी ओर यूथ कांग्रेस ने भी सुखरो पुल के धसने पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। मुर्दाबाद।
और दुखी मन से, इतना हम दुखी हैं कि पिछले 2-3 सालों से लगातार मैं प्रयास कर रही थी कि भाई ये समय पे इसका सुध ले लें कि जो ये बिल्कुल मानकों के विपरीत जो यहाँ पे खनन कार्य किया गया है, मैं चाहती हूँ कि तत्काल जो भी दोषी हैं उन पे सबसे पहले कार्रवाई की जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें हुआ क्या, इन्होंने क्या है, नीचे वाला पट्टा तो क्या है खनन के लिए खोल दिया, जबकि ऊपर की स्थिति आप देख रहे हो कि क्या स्थिति हो रखी है। ऊपर ये फॉरेस्ट के पास है, जबकि इसमें चुगान होना चाहिए था, चुगान, जबकि ना कि इसमें पॉकलैंड और जेसीबी मशीनों के द्वारा इसमें खनन कार्य किया जाना चाहिए था। ये गलत है, बिल्कुल गलत हुआ। मैं तो कहती हूँ तत्काल उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये कोटद्वार की जनता और भाबर की जनता को जोड़ने के लिए जो पुल यहाँ पर बना गया था, जो भाजपा की ही मंत्री द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री भूवन सिंह खंडू जी के द्वारा पुल बनाया गया था, जो पुल आज धस चुका है, जिसमें कोटद्वार की जनता और भाबर की जनता में काफी रोष है। और कल कहा गया था यहाँ पर एक सर्वे की टीम आएगी, ना यहाँ पर सर्वे की टीम आई है, और अभी भी हमें खतरा, अगर बारिश आती है पुल कहीं ना कहीं ये ढह ना जाए, जिसके कारण आज यहाँ पर कांग्रेस ने पुरजोर आंदोलन किया है। अगर जल्द से जल्द पुल का निर्माण नहीं होता तो इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा। देश के जाने माने उद्योगपति यश बिरला ने बॉडी बिल्डिंग पर आधारित एक किताब लिखी है, आपको जानकारी दें, जिसका नाम बिल्डिंग का परफेक्ट बॉडी है। इस किताब का विमोचन ऋषिकेश के पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा, जनप्रतिनिधि शंभू पासवान और गीतकार रोहन भारद्वाज ने किया। इस मौके पर उद्योगपति यश बिरला ने बताया कि जिस प्रकार लोग अपने खाने पीने के लिए समय निकालते हैं, लोगों के सुख दुख में जाने के लिए समय निकालते हैं, उसी तरह अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए भी समय निकालना बेहद जरूरी है। एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपको कंसिस्टेंसी है। लोग समझते हैं कि थोड़ा जिम में जाके बॉडी बन जाती है। कई लोग 10 दिन कंटिन्यूसली वर्कआउट करेंगे, फिर 2 महीने आराम करेंगे, फिर बोलेंगे हम करते हैं करते हैं, ऐसा नहीं चलता है। आप जो भी करें, 2 बार हफ्ते में 3 बार हफ्ते में, 1 बार शुरू करें, कभी ये समाप्त नहीं करें। बीमारी हो कुछ हो तो आप मेकअप कर सकते हैं, आप उसके बाद और ज्यादा वर्कआउट कर सकते हैं। ज्यादा टाइम व्यस्त करने की जरूरत नहीं है जिम में, 45 मिनट भी सफिशिएंट है। आज लोग समझते हैं कि 2 घंटा 2.5 घंटा वो सब बातचीत करते हैं, वेस्ट करते हैं टाइम यहाँ वहाँ पर, वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप 45 मिनट कंसिस्टेंटली 3 बार हफ्ते में आप करिए, पर आप संकल्प लीजिए कि ये हमारा छूटेगा नहीं। पर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से है, जहां लोक निर्माण विभाग के मृतक आश्रित की नियुक्ति पाने वाले बाबू प्रेमेंद्र सिंह की ओर से लगभग 30 लाख रुपए के गबन का मामला काफी चर्चा में है। वर्तमान अधिशासी अभियंता प्रेम सिंह विश्व ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है, लेकिन पूर्व अधिशासी अभियंता प्रवीण बहुगड़ी के कार्यालय में हुआ ये गबन बड़े सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि पिछले 4 सालों से इस मामले को दबाना, आरोपी की गबन की राशि ठेकेदारों को वापस करने का मौका देना कहीं ना कहीं मिलीभगत की तरफ इशारा कर रहा है। ये एक्चुअली 2 साल पुराना केस है। इसमें वो क्या करता था कि ठेकेदारों को जो 10% की धनराशि होती है उसको जो है, जब लास्ट में अकाउंट नंबर पड़ता है तो अकाउंट नंबर अपने मिसेज का या अपने किसी रिश्तेदार को डाल देता था। तो वो पिछले हमारे सचिव था, उन्होंने पकड़ा था वो केस, और उसमें जो है विभागीय जाँच भी हुई है। तो उसमें मेरे द्वारा FIR लिखवा दी गई, क्योंकि मैंने इसमें अनुमति ली थी अपने उच्च अधिकारी से। तो FIR लिखने के बाद उसमें अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस डेली आती है वहाँ पर ऑफिस में और कागजों की जांच पड़ताल चल रही है। तुरंत ही उसमें GD कटेगी और उसको जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा। विभागीय जांच में तो फिर प्रथम दृष्टया तो उसी का नाम आ रहा है। अब उसने किस किस के नाम खाते पैसे डाले वो लोग भी दोषी होंगे उसमें। खबर उधम सिंह नगर के सितारगंज से है, जहां कल्याणपुर के पास मवेशियों के लिए घास काटने निकले युवक को तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में मृतक के परिजनों ने बस चालक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। साल की, इसका नाम इंद्र सिंह बोरा है, सितारगंज कल्याणपुर का रहने वाला है।
ये रोड एक्सीडेंट में कहीं मृत अवस्था में पड़ा था, जिसको 108 द्वारा हमारे यहाँ से एसिस कर दिया गया। इसके शरीर में काफी जगह चोट के निशान है, सर पे भी काफी गहरी चोट लगी हुई। मैं भी पहाड़ से यहाँ आया था, एक हफ्ता हो गया है। सुबह घास काटने के लिए दोनों जने सुबह बच्चे को स्कूल भेजवा के घास काटने के लिए गए, तो बहू थोड़ा पीछे थी, वो नाला पार करके रोड पे निकल गया। तो रोड पे निकलते ही जैसे बस आई होगी, रॉन्ग साइड में था बस वाला और वो अपनी साइड में खड़ा था, बीच में जब बस आ रही थी तो खड़ा हो गया। तो बस कुदरत पता नहीं कैसे इधर को ला के दबा दिया गया उसको, तो ऐसे पता नहीं चला, ऐसे कहा कि किसी कंपनी की बस है। तो पुलिस और कोई गया है कंपनी में बस को देखने के लिए, देखो आगे क्या होता है। खबर चंपावत के टनकपुर से है, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्राओं का एक दल तहसील पहुंचा, जहां अंकिता के नेतृत्व में एसडीएम हिमांशु कफलटिया को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अधिस्थ प्रवर सेवा की 318 पदों की प्रारंभिक परीक्षा 3 अप्रैल को कराई गई, जिसकी मुख्य परीक्षा 14 से 17 अक्टूबर को प्रस्तावित है। लेकिन हाईकोर्ट के दिए निर्णय में उत्तराखंड के महिलाओं को मिलने वाले 30% आरक्षण को असंवैधानिक मानते हुए समाप्त कर दिया गया है, जिससे प्रदेश की सभी महिलाओं के हितों का हनन हुआ है। जबकि पर्वतीय महिलाओं के विषम परिस्थितियों को समझते हुए राज्य सेवाओं में 30% आरक्षण दिया गया, जिससे अवैध करार करने से प्रदेश के हजारों महिला पीसीसी मुख्यालय परीक्षा में अपने प्रतिनिधित्व के आधार से वंचित रह गई। ऐसे में उनकी मांग है कि राज्य सेवाओं में प्रदेश की महिलाओं को मिल रहे 30% आरक्षण को बहाल करके मुख्य परीक्षा में अपना प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाए। इसमें हमारी उत्तराखंड की महिलाओं और माताओं का जो हमें स्टेट गवर्नमेंट में 30% आरक्षण मिलता था, उसको स्टे लगा दिया है। इससे हमारी पूरी वीमेन, उत्तराखंड की वीमेन कम्युनिटी प्रभावित हो गई है। हमारी महिलाएं बहुत ही विषम परिस्थितियों में पहाड़ों में रहती हैं, उनको एक जो 30% का आरक्षण मिला था, एक जनरल मुद्दा था। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार अपना पक्ष इसमें मजबूती से रखे, अध्यादेश लाए और हमारी महिलाओं का जो अधिकार है उसको बहाल करे। 24 अगस्त को जो हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट की हेयरिंग आई थी, उसके बाद जो महिलाओं को उत्तराखंड मूल के 30% 37 आरक्षण मिलता है, उस पर स्टे लगा दिया। सर, ये जो 37 आरक्षण है, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो उत्तराखंड के वुमेन्स को एकजुट करता है, क्योंकि इसकी अम्ब्रेला के अंदर उत्तराखंड ईडब्ल्यूएस वुमेन, जनरल वुमेन, एससी वुमेन, एसटी वुमेन, ओबीसी वुमेन सब आती है। तो इसमें क्या होता है सर, हम लोग के लिए अपने सपने साकार करने का एक हमारे पास जो जरिया था, तो स्टे होने के माध्यम से इससे जो चयनित महिलाएं हैं उसको कल रात को ऑर्डर आया है हाईकोर्ट का कि अब कमीशन को कि आप ये मेरिट रिवाइज करें। उसमें सर ये भी एक संभावना है कि कुछ चयनित महिलाएं बाहर हो जाएंगी और ये बहुत ही ज्यादा गलत होगा। नैनीताल के आदेशों के क्रम में, जिसमें कि अभी जो उत्तराखंड महिलाओं को 30% जो आरक्षण मिलता था उस पर रोक लगाई गई है, उसी से कुछ अफेक्टेड जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन हमारे माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिस पे की यथोचित कार्रवाई करते हुए इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से चंपावत जिले के दूरसंचार नेटवर्क में बहुत जल्द परिवर्तन होने जा रहा है। आपको बता दें कि जिले के सीमांत क्षेत्र के विभिन्न गांव में मोबाइल नेटवर्क की कमी विकास कार्यों में बाधक बन रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों के कई स्थानों पर नेपाल का दूरसंचार तंत्र मजबूत होने से सीमांत ग्रामीण क्षेत्र के लोग नेपाली सीम का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहीं इस स्थिति में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रही है। हाल ही में दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष ये प्रकरण प्रमुखता से रखा था, जिसके बाद चंपावत के इन गांवों में मोबाइल नेटवर्क की स्वीकृति मिल गई है। ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ पर लंबे समय से मोबाइल नेटवर्क की बहुत समस्या चली आ रही थी। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिल्ली में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री जी से जो बातचीत हुई है, उसके क्रम में हमारे तहसील अंतर्गत जो दूरस्थ गांव हैं, जिनमें कि डांडा, ककनई, बुड़म, तलियाबाज, मथियाबाज और पोत, कोट केंद्री, चूका इत्यादि जो गाँव हैं जहाँ पर कि वर्तमान में मोबाइल नेटवर्क बहुत कमज़ोर है, वहाँ पर मोबाइल टावरों की स्वीकृति मिलने के बाद जल्दी ही वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखंड के ज्ञापन पर एक्शन लिया है। आपको बताया सीएम ने उपजिलाधिकारी टनकपुर को भूमि चयनित करने के लिए निर्देशित किया है। ऐसे में उपजिलाधिकारी हिमांशु कफलतिया ने प्रेस क्लब गेस्ट हाउस के लिए भूमि चयनित किए जाने की कवायद को तेज कर दिया है। जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखंड के जिला महामंत्री बाबूलाल यादव ने बताया कि टनकपुर पर्वतीय और तराई क्षेत्र का सेंटर है, साथ ही टनकपुर की सीमा नेपाल से भी मिली हुई है। तो वहीं पूर्णागिरी शक्तिपीठ होने के कारण अन्य राज्य से पत्रकारों का आगमन लगा रहता है, जिनके विश्राम हेतु जर्नलिस्ट गेस्ट हाउस बनाया जाना बहुत आवश्यक है। हमने पूर्व में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के उद्घाटन के लिए जब माननीय पुष्कर सिंह धामी यहां पर आए थे तो जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने एक ज्ञापन दिया और उसमें क्षेत्र के सभी पत्रकार मौजूद थे, तो उन्होंने मांग की थी यहां पर, क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है और पहाड़ और मैदानी क्षेत्र का जो है ये केंद्र बिंदु है यहां पर, और क्योंकि मुख्यमंत्री की विधानसभा होने के कारण यहाँ पर पत्रकारों का आवागमन भी बढ़ गया है, सेंटर स्तर के और नेशनल स्तर के पत्रकार यहाँ पर आने लगे हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब ऐसे समय में वो आते हैं और धार्मिक स्थल है और मेला वगैरह चलता है तो यहाँ पर उनके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं होती। उत्तराखंड जिन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जो हमारी चंपावत ब्रांच है उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी टनकपुर सीएम कैंप कार्यालय के उद्घाटन के समय ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कि उन्होंने यहाँ पर एक प्रेस क्लब का ऑफिस और कुछ और इस बनाने के लिए ज़मीन की मांग की थी। इसके क्रम में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमें इसमें निर्देशित किया गया था और हमने उनके निर्देशों के क्रम में कुछ जगह चयनित करी हैं जो कि हम अब यहाँ का जो लोकल एसोसिएशन है उनके साथ वहाँ पर भ्रमण करेंगे और फिर उसके बाद उन किसी भी एक स्थल को फाइनलाइज। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।